बीजेपी का एक ही तरीका है, अगर इलेक्शन में नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाओ, उनके बंदे तोड़ लो, बाद में बाई इलेक्शन करवा लो और कह दो कि जनता का ये फैसला। जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है देश में उन पर अध्यादेश लाए जा रहे हैं, गवर्नर जो हैं वो उन पर कुछ ना कुछ थोपते रहते हैं आए दिन। पिछले दिनों हमने देखा था हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अपने जीते हुए पदकों को श्री गंगा जी में बहाने के लिए हरिद्वार गए थे। अगर समय पर आवाज ना उठाई गई तो शायद अगली बारी लोकतंत्र की अस्थियों को बहाने की होगी। तो अहंकार हो गया है बहुत ज्यादा इनको, तो अहंकार जो है वो परमात्मा अहंकार को ठीक कर देता है। कुदरत बहुत बलवान है, कुदरत बहुत बलवान है, ये राजाओं से भीख मंगवा देती है, ये भिखारियों के सर पे ताज दिखा देती है। सो वक्त है, वक्त से डरना चाहिए। जैसा कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा है, कोई पर्सनल या व्यक्तिगत समस्या लेके नहीं आए, ये लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है देश में उसको बचाने की मुहिम है। पिछले दिनों हमने देखा था हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अपने जीते हुए पदकों को श्री गंगा जी में बहाने के लिए हरिद्वार गए थे। अगर समय पर आवाज ना उठाई गई तो शायद अगली बारी लोकतंत्र की अस्थियों को बहाने की होगी, क्योंकि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है देश में उन पर अध्यादेश लाए जा रहे हैं, गवर्नर जो हैं वो उन पर कुछ ना कुछ थोपते रहते हैं आए दिन, कभी कहते हैं हम आपका बजट सेशन नहीं होने देंगे, कभी कहते हैं हम आपके द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा पास किया हुआ भाषण नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी मर्जी से पढ़ेंगे। तो देश में इलेक्टेड और सिलेक्टेड, अब लड़ाई ये है, लोकतंत्र में इलेक्टेड बड़ा होता है जनता, लेकिन ये सिलेक्टेड को आगे लेके आ रहे हैं। बीजेपी का एक ही तरीका है, अगर इलेक्शन में नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाओ, उनके बंदे तोड़ लो, बाद में बाई इलेक्शन करवा लो और कह दो कि जनता का ये फैसला है। सो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि पार्टी के नाम में ही मोर्चा लिखा हुआ है, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हमारी पार्टी भी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो हम लोगों को एक और आंदोलन करना पड़ेगा। 140 करोड़ जनता देश की ये उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है, इलेक्शन को बचाना है, तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी कि ऐसे फरमान जो केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करते हैं, उनके खिलाफ हम आवाज उठाएं एक होकर। आपस की लड़ाइयां, छोटी मोटी वैचारिक मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन जब देश की बात हो तो हमें एक होना पड़ेगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम जगह जगह गए और सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि हम 140, मैं विपक्ष नहीं इसको कहते, हम कहते हैं देशभक्त पार्टियां, देशभक्त लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। जैसा कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि बहुत कुर्बानियां देकर हमारे पुरखों ने इस देश को हमें लेकर दिया है, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां, शहीद आजम भगत सिंह से लेके करतार सिंह सराबा से लेकर और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा जी, नाम गिनते थक जाओगे आप उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, फिर देश मिला। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, लेकिन ये समझते हैं हम ही चलाएंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, इन्होंने 10 बजे रात को अध्यादेश क्यों जारी किया, क्योंकि 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो गई थी, तो इन्होंने कहा छुट्टियां हो गई, अब 10 बजे अध्यादेश जारी कर दो, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं अगर मानते तो किसकी मानेंगे। तो अहंकार हो गया है बहुत ज्यादा इनको,
तो अहंकार जो है वो परमात्मा अहंकार को ठीक कर देता है। कुदरत बहुत बलवान है, कुदरत बहुत बलवान है। ये राजाओं से भीख मंगवा देती है, ये भिखारियों के सर पे ताज टिका देती है। सो वक्त है, वक्त से डरना चाहिए। मैं भी बहुत निम्रता सहित बेनती करता हूं केंद्र सरकार को, अहंकार मत करो, क्योंकि जनता है, लोकतंत्र में जनता बड़ी है। जनता, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। जनरेशन एक्स शिक्षा समाधान पिछले 15 सालों से करियर काउंसलिंग के फील्ड में कार्यरत है और इन 15 सालों का सफर आपके प्यार और आपके सहयोग की वजह से ही सफलतापूर्वक चल पड़ा है। तो इसके लिए तमाम विद्यार्थी और अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 सेशन में भी जनरेशन एक्स शिक्षा समाधान के कार्यालयों में विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, बीएड, पॉलिटेक्निक, जीएनएम, बीएससी जैसे जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनमें करियर अपॉर्चुनिटीज है, इसमें करियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारे ऑफिसर्स के बारे में जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को खत्म होने के बाद फ्री करियर काउंसलिंग सेशन को ज्वाइन करके सही कॉलेज और सही कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद।